Hey everyone, welcome back to my channel. This is Anshika Bhardwaj and you are watching obviously Anshika Bhardwaj with my Anona YouTube video. गाइस, आप लोग मेरे को आई थिंक देखकर मतलब मेरा गेटअप देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ. तो यस गाइस, मैं इस समय अपने यूनिवर्सिटी में हूँ. फाइनली मेरी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं और यही रीज़न है कि मैं लेट हो गई हूँ एक्चुअली वीडियो डालने में. तो गाइस, बहुत लोगों ने मेरे से ये चीज़ पूछी थी कमेंट करके कि दी आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब बायोटेक में आप बेसिकली करते क्या हैं. तो आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ. आज मेरी लैब है बायोकेमिस्ट्री की. बायोटेक का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं मैं आपको ये भी दिखाऊंगी. अभी मेरी लैब का टाइम हो रहा है तो पहले मैं लैब में जाती हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. ओके बाय. सो गाइस, मैं लैब में आ चुकी हूँ और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जिसको आई थिंक आप सभी लोग देखना चाहते हैं, जिसका नाम है श्वेता. लास्ट ब्लॉग में ये नहीं थी, बिहार गई हुई थी. तो श्वेता, एक बार हाय कर दो सबको. ये है श्वेता. और गाइस, मैं इस समय लैब में आ चुकी हूँ और आज हम लोग बायोकेम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसका नाम है बेंड्रिक टेस्ट, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स आप सभी लोगों ने सुना होगा उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है. तो अभी हम लोगों को कुछ रिएजेंट्स बनाने हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं. इसमें कुछ रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे जिसको अभी हम वे करने के लिए ले जा रहे हैं दूसरी लैब में. तो आइए चलते हैं. तो यहाँ पर अभी सब लोग रिएजेंट को वे कर रहे हैं. आइए मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे. वे ये रिएजेंट्स हैं और सब लोग वे कर रहे हैं. ओके, ये मेरी फ्रेंड अर्चना वैष्णवी. अर्चना, क्या क्या वे कर रहे हो? केमिकल्स का नेम बता दो रिएजेंट्स का सारे. ओके, कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो? ओके, तो अभी ये लोग वे करेंगे. वे करने के बाद हम लोग इसको लैब में लेकर जाएंगे जिससे हम प्रैक्टिकल बेसिकली परफॉर्म करेंगे. ओके गाइस, जब तक ये लोग वे कर रहे हैं क्योंकि इन्हें टाइम लगेगा, मैं आपको अपनी लैब दिखा देती हूँ. एक थोड़ा मतलब आपने लैब विजिट तो कर रखी है मेरे ब्लॉग में, और नहीं करी तो आप मेरा पुराना ब्लॉग देख लीजिए और मैं आपको अपनी लैब दिखाती हूँ. काफ़ी अच्छी लैब है. बेसिकली ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है. इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हूँ मैं आपको. जनरली आपने नेम सुने होंगे, जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उन्होंने तो डेफिनेटली सुने ही होंगे. तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर भी. ये है ऑटोक्लेव. जनरली हम अपने ग्लास वेयर्स, अपना मीडिया, कुछ भी हम लोग स्टिलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं. दिस इज इंक्यूबेटर, फ्रिज, और ये BOD इंक्यूबेटर है. ये LAF है, LAF चैम्बर आप देख सकते हैं. प्लेट्स जब भी हम बनाते हैं तो हम LAF में बनाते हैं. एसेप्टिक चैम्बर भी बोलते हैं हम इसको. और यह हमारा वेइंग का काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है. तो अभी हम चलते हैं दूसरी लैब में. Copper, second, sulfate. So we are taking these three reagents and we are waiting for 50 ml. Okay. The calculations for the standard, that is 1 liter, is sodium carbonate 100 gram, sodium citrate 173 gram, and copper sulfate 17.3 grams. But when we are waiting for 50 ml, so these are the calculations. So ये आपने weigh करा. Weigh करने के बाद we have dissolved it in distilled water 50 ml. We have make up the volume. ठीक है, हमने make up volume करा था. And ये step strictly follow करेंगे हम जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी reagent या solution का preparation करेंगे. Because when we add the reagents or the solids, then they increase the volume. जो हमने देखा भी है ना, हमने क्या लिया था, we have taken 40 ml of distilled water. And just when we added all these three reagents, तो क्या हुआ, finally the volume was 50 ml automatically. It has reached. ठीक है, तो ये step make up volume का बहुत important होता है. Next, Benedict's reagent बनने के बाद हमने क्या किया, I have prepared the glucose, because glucose solution, because
I will be providing you with the samples. ठीक है? So I am providing you with the three samples. 1%, 3% and 5%. आपके एग्जाम में क्या होगा? You would not be able to know कि कितना percentage of sample is being provided. And according to the observation of the result, आपको बताना पड़ेगा कि ये सैंपल किस तरीके का है, ग्लूकोज है कि सुक्रोज है या एनी अदर शुगर इज बीइंग प्रेजेंट. अगर मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है. इट विल नॉट गिव द रिजल्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च. जितने भी हमारे रिएजेंट्स हमने वे करे थे, इसको हम बीकर में डाल चुके हैं और अभी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे. इसमें हम 40 ml वाटर ऐड करेंगे. और यहाँ पे हमने 40 ml वाटर इसमें फाइनली ऐड अप कर दिया है और इसकी जेंटली हम मिक्सिंग करेंगे. सो दिस इज आर बैंड्रिक रीजन. ये हमारा रेडी हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं. और अब हम इसमें टेस्ट करेंगे अपने सैंपल का. अब हम 1 ml डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, जिसमें हमें बेसिकली अपना टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स का. वन एम एल थ्री टेस्ट ट्यूब्स में 1 ml. और अब हम ना अननोन सैंपल टेस्ट ट्यूब में लोड कर रहे हैं. हमें नहीं पता है इस सैंपल में क्या है. और देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. अगर कलर फॉर्म करता है इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, इफ नॉट ऑलरेडी ये वे हैं. Now we add this Bendrick solution in the test tubes, which already contain the 1 ml distilled water at every test tube. And now see the result, what happens. तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हीट करेंगे वाटर बाथ में और रिजल्ट देखेंगे. देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है इसके. और हम वेट करेंगे आपको सब टाइम रिजल्ट विल कम. हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. A few moments later. ओके, तो आप देख सकते हैं श्वेता ने इसे वाटर बाथ से निकाल लिया है और हमारा रिजल्ट भी आ चुका है. आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया. जब हमने रखा था तो ब्लू कलर था और अब हो चुका है फाइनली ब्लू ग्रीन कलर, विच मीन्स डैट कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. लेकिन कौन सा प्रेजेंट है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि जो हमने टेस्ट यहाँ पे करा है वो सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है. ठीक है, तो क्वालिटी आप देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट इसमें है, कौन सा है ये अननोन है. अगर हमारी कंसनट्रेशन कार्बोहाइड्रेट की और होती तो ये ब्रिक रेड कलर आता, लेकिन ये भी करेक्ट है. आप देख सकते हैं कंसनट्रेशंस यहाँ पर हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं टेस्ट ट्यूब पर. 1%, 3% एंड 5%. फाइनली रिजल्ट्स कम. सो गाइस,
फाइनली हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, आप सब लोगों ने देखा। तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो थे कि मैं बेसिकली बायोटेक में क्या करती हूँ और मेरा क्या मतलब है, तो आप देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया हम लोगों की लैब्स कैसे होती हैं। मैंने आपको लैब विजिट तो अपनी वीडियो में करवा ही रखी है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, और क्या करते हैं हम बेसिकली लैब में वो भी आपने आज देख लिया। और बस ये ब्लॉग आज इतना ही था, और आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट करना है, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में यूज़ करें, कमेंट सेक्शन यूज़ करें, आप पूछिए मेरे से, और शेयर कर दीजिए गाइस, और सब्सक्राइबर पूरे करिए फटाफट 500, पता है ना आपको 500 कंप्लीट होने पर क्यू एंड ए वीडियो मैं जल्दी से रिलीज करूंगी। ओके गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।